आपका जितेंद्र धोड़किया चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी एक जगह पे अप्रेंटिस के लिए भर्ती करने थे बहुत सारे ट्रेड के बच्चे, और नाम भी भेजे गए थे, उसको फ़ोन भी किया गया था, इतला भी किया गया था, मगर पूरी तरह से उनको 15 बच्चे चाहिए थे तो मिले नहीं। तो मुझे लगा कि यार इतने सारे बच्चे हैं आईटीआई के और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने ट्राई की कुछ बच्चों से संपर्क करने की, उसको मिलने की, तो पता चला कि वो लोग तो भूल गए कि वो आईटीआई करके भी आए हैं, उनके पास कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट है। किसी किसी के पास तो दो दो सर्टिफिकेट था, फीटर भी किया हुआ था और कोपा भी किया हुआ था, और आजकल खेतीबाड़ी में लग गए थे। तो मुझे लगा कि आप आईटीआई को बहुत हल्के से ले रहे हो, तो आपको थोड़ा आईटीआई का प्लेसमेंट, आईटीआई करने के बाद अगर आप ऐसे ही घर पे जाके बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि भाई मुझे कोई लेने आएगा यहाँ पे लाल जाजम बिछा के, लाल गाड़ी लेके, और बोलेगा कि चल भाई तेरे लिए यहाँ फला फला जगह पे नौकरी है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आईटीआई के बाद आपका प्लेसमेंट, आपको जॉब, नौकरी अपॉर्चुनिटी कहाँ से कैसे मिलती है, इसके बारे में दो तीन बातें कहने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो पहले तो ये बात बता दूँ कि हर एक आईटीआई में जहाँ आपने आईटीआई की है उसका एक प्लेसमेंट सेल होता है, वहाँ एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जिसको ये जिम्मेवारी दी गई है कि आईटीआई के जितने बच्चे पास आउट हो उसको कहीं ना कहीं उसको लगाओ। हालांकि आईटीआई में आईटीआई पूरी होने के बाद तुरंत ही कैंपस इंटरव्यू भी होता है, तो उसमें आप थोड़ा रुचि रस दिखाइए, उसके बाद प्लेसमेंट सेल के साथ जो इंस्ट्रक्टर है उसके साथ लाइव संपर्क में रहिए, उसको कांटेक्ट में रहिए। फिर मैं बात करूँगा NCS पोर्टल की, तो नेशनल कैरियर सर्विस का पोर्टल, इसका भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे भी आपको बहुत सारी ऑफ़र आएंगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसमें भी अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड दर्ज करवा दीजिए, अपनी आईटी की क्वालिफिकेशन भी उनमें जोड़ दीजिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट वालों को पता चले कि भाई फला फला ट्रेड वाले इतने लड़के यहाँ पे बेकार है या ऐसे हैं। फिर आप पेपर में देखते रहिए, बहुत सारी एड पेपर के माध्यम से आती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है GHCL, अंबुजा, रेयन वगैरह, तो वो लोग अपना अप्रेंटिस जो लेते हैं ना वो भी पेपर के एड दे के लेते हैं, तो आप ज़रा उसमें देख लीजिए। फिर मेरी गुजारिश है कि अप्रेंटिस का पोर्टल, उसमें भी मैंने कहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तो आप अप्रेंटिस का जो पोर्टल है उसके बारे में भी एक वीडियो है, तो उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी है वो आप अपने आप भी देख सकते हैं और आपको भी सामने से आएगा। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें आप देखेंगे तो करियर अपॉर्चुनिटी और वैकेंसीज़ वो लास्ट स्टेप में होता है, तो उसमें उस कंपनी या उस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ है, क्या है, वो सब उसमें पता होता है। तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से जो भी कंपनियां है उसकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वैकेंसीज़ देखिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देखिए करियर कॉर्नर पे जाके, तो आपको बहुत सारा पता चल जाएगा। और हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल बहुत मुहिम चला रहा है, तो मैं यहाँ पर हिदायत दूँगा कि आप अपना फेसबुक अगर अकाउंट है तो इसको सिर्फ चैट के लिए मत रखिए, क्योंकि आपके लिए प्लेसमेंट में, ये देखिए मैंने सिर्फ प्लेसमेंट लिख के रखा तो इतनी सारी प्लेसमेंट ऑफिस का पेज खुल गया है, आईटीआई राजकोट प्लेसमेंट, आईटीआई कुबेरनगर प्लेसमेंट, सतासणा प्लेसमेंट है, सरसपुर है प्लेसमेंट, सूरत है, बालासिनोर है, अंकलेश्वर है, सारसपुर प्लेसमेंट का पोर्टल है, माई जॉब पोर्टल कंसल्टेंसी है, तो बहुत सारी प्लेसमेंट की पेज हर एक आईटीआई की होती है, उसके ऊपर वो लोग हर रोज कोई ना कोई ट्रेड के लिए कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं। तो कृपया जाके जो भी आईटीआई है सब उसकी वेबसाइट या उसका पेज है तो उसको ज़रा लाइक कर दीजिए, अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें क्या चल रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आती है बारी व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप प्लेसमेंट के होते हैं जिसमें प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट ऑफिसर है वो चलाते रहते हैं। आजकल मैंने गुजरात गिर सोमनाथ और केशोद वगैरह का ग्रुप किया है, तो उसमें भी आप मेंबर बन जाइए, लिंक के साथ जुड़ जाइए, जो भी प्लेसमेंट देखता है उस इंस्ट्रक्टर के को फॉलो कीजिए,
और इंस्टाग्राम को भी ऐसे ही आप सोशल मीडिया से यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास रास्ते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लग सकते हैं। और ITI के साथ जब तक आपको पूरी अच्छी तरह जॉब ना मिल जाए तब तक तो टच में रहिए, उससे बाद अगर रह सकते हैं तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मगर तब तक आप ITI का पीछा मत छोड़िए जब तक वो आपको कुछ ना कुछ करने का मौका ना दे दे। तो दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ तक का वीडियो सुना है, देखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ITI में प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है। तो इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अभी इंटरव्यू में कैसे जाना है, तैयारी कैसे करनी है, उसका भी वीडियो है, आप ज़रा देख लीजिए उसको। उसमें पूरा दिखाया गया है कि जब आपको कोई इंटरव्यू में बुलाता है तो आपको कैसी तैयारियाँ करनी है और क्या क्या करना है। बाकी सब जो मैंने यह चीज़ें बताई उसका भी इंडिविजुअल वीडियोस है, तो ये चैनल के ऊपर ज़रा सर्च कर दीजिए और प्ले लिस्ट में ITI है, ITI केशोद करके है, और आफ्टर ITI आपको क्या करना है उसका भी प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, सबा खैर, थैंक यू, गुड बाय।